हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल स्टॉक उड पे। और आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टॉक हाई गया था 3 रुपये के आसपास फेब्रुआरी में, और उसके बाद यहाँ पर लो लगा के 1 रुपये के आसपास पहुँचा था। अब स्टॉक ने फिर से अपर सर्किट लगाते हुए यहाँ पर 2.60 रुपीज़ तक पहुँचा है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि स्टॉक में ये मूवमेंट कैसे बनता है और क्यों बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए तो ठीक ठाक है स्टॉक का। और उसके बाद इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर स्टॉक की फेस वैल्यू देखिए अभी 10 है, और इसका अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर 3 रुपये के आसपास चल रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर पी भी 0.68 रुपीज़ है। तो वैसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बेकार स्टॉक है या पेनी स्टॉक का बेकार स्टॉक है। स्टॉक वैसे तो हम अच्छा है, और देखिए मार्च क्वार्टर का नेट सेल्स भी 2.72% से बड़ा है। यहाँ पर हम क्विक रिव्यू लेंगे कि आज इसमें क्या पोजीशन बनती है। तो यहाँ पर देखिए मार्च क्वार्टर में देखिए 511 करोड़ का लॉस किया है, पर यहाँ पर मैंने नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसका निकाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का प्रॉफिट एंड 12 मंथ का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू 1900 करोड़ के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास है। और उसके बाद एक्सपेंस और सब कुछ निकाल के इसका नेट प्रॉफिट एंड लॉस, दिस ईयर का नेट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर प्लस में है, और वो है 165 करोड़। तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 का 3000 करोड़ का लॉस था, तो उसके मुकाबले हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही काफी अच्छी बात है। लगातार कंपनी 5 साल से लॉस कर रही थी, 2020 में अचानक उसने प्रॉफिट दिखाया, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है, और उसकी वजह से ही स्टॉक में तेजी आई है अभी हम कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका डेप्थ में वीडियो हम कभी और दिन बनाएंगे। आज मार्केट खुलने से पहले ये वीडियो अपलोड करनी है मुझे, इसलिए हम आज सिर्फ टेक्निकल और ऊपर ऊपर से स्टॉक को देख लेते हैं। अगर आप इस पर फुल डेप्थ में फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हो, मैं इस पर ट्राई करूंगा वीडियो बनाने की। और उसके बाद यहाँ पर न्यूज़ की बात करें तो इसमें कोई अच्छी खासी न्यूज़, ओके तो यहाँ पर इसके जो CFO थे उसने रिजाइन कर दिया है। अभी एक दिन पहले की ही न्यूज़ थी, और इसने नेट Q4 का नेट लॉस 511 करोड़ किया है। पर अच्छी बात यह है कि इसने टोटल 2020 में टोटल 163 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, तो एक रतन पावर के लिए अच्छी न्यूज़ ये है। और उसके बाद चलिए थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के व्यू से देखते हैं। तो हम यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर 1 मंथ का चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टॉक लगातार अपर सर्किट लगाया जा रहा था, इसकी वजह से स्टॉक की प्राइस 1.5 गुना हो गई है। तो मेरे ख्याल से 100% से रिटर्न ज्यादा हो गए है। अब बात ऐसी बनती है कि यहाँ पर आप देखें तो अगर वेनसडे की अगर क्लोजिंग देखें तो यहाँ पर 1 जुलाई को यहाँ पर BSE ने अपना लोअर सर्किट लगाया था और NSE ने अपना अपर सर्किट लगाया था। तो मेरे ख्याल से आज थर्सडे को आपको क्या करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए मानिए कि यहाँ पर स्टॉक ऑलरेडी 150% की अप लगा चुका है, तो जिसने भी यहाँ पर 1 रुपये के प्राइस पर यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर 1 या 1.5 रुपये के प्राइस पर खरीदा था, वो फाइनल ही मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा 1.5 रुपये के, 2.5 रुपये के आसपास। तो अभी क्या हुआ है कि सबको पता चल गया है कि BSE पर ऑलरेडी लोअर सर्किट लग चुका है। तो अगर आपने यहाँ पर 1 रुपये और 1.5 रुपये के आसपास स्टॉक खरीदा है तो मेरे ख्याल से आपका प्रॉफिट बुक करना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे मान के चलिए तो आपने 1 रुपये 10,000 भी क्वांटिटी उठाई है, तो यहाँ पर आपको 10,000 का नेट प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के तरह से अगर सोचते हैं, लॉन्ग टर्म के जरिए से अगर सोचते हैं, तो भी मेरे ख्याल से एक बार तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी BSE में लोअर सर्किट लग चुकी है। उसका मतलब जो भी इन्वेस्टर है यहाँ पर BSE में अपना, क्योंकि प्राइस हाई जा चुकी थी, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अपर सर्किट लगता तो यहाँ पर तकरीबन 2.19 के आसपास प्राइस गई थी, तो यहाँ पर 2.19 के पास बहुत ही सारा प्रॉफिट बुक हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 17 लाख क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक होना चालू हो गया है। तो अगर आपने 1 रुपये के आसपास इसको खरीदा है
तो आप यहाँ पर मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अगर एक बात समझिए पेनी स्टॉक के बारे में, अगर एक बात समझिए तो पेनी स्टॉक में लगातार एक या दो वीक अपर सर्किट लगने के बाद उसमें जब भी प्रॉफिट बुक होता है तो मैं लिख के दे सकता हूँ उसमें लोअर सर्किट लगता ही है, लगता ही है। अगर आपको इसको दूसरे किसी भी स्टॉक में चेक करना है तो मैं बता सकता हूँ, ऐसे कई एग्जांपल देख सकता हूँ। आप साउथ इंडियन बैंक के बारे में देख सकते हैं, आप SYNCOM फॉर्मुलेशन के बारे में देख सकते हैं। SYNCOM फॉर्मूले के फंडामेंटल इतने बेस्ट है कि आप उसके बारे में जाकर देखिए। यहाँ पर उसमें भी 2 वीक के लगने के बाद वहां पर भी जब भी प्रॉफिट बुक होना स्टार्ट हुआ उसमें भी लोअर सर्किट लग गया। तो सिंपल यहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाकर अगर हम इसमें डेफिनेटली इसके फंडामेंटल अच्छे होने स्टार्ट हो गए हैं, पर अभी आपको प्रॉफिट बुक करना ही होगा। अगर मान लीजिए कि आप प्रॉफिट नहीं बुक करते तो 3 से 4 लोअर सर्किट तो लगने ही वाला है, तो आपको 20% या 25% का भी लॉस हो सकता है। इसकी वजह अगर आप ऐसा करते हैं यहाँ पर प्रॉफिट अपना बुक करते हैं, और जब भी स्टॉक मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि ये लोअर सर्किट लगाएगा ही लगाएगा अगले या इस वीक में नहीं तो अगले वीक में। तो अगर आप इसमें बने ही रहना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसको देखते हैं, तो वहां पर आप 3-4 लोअर सर्किट लगने दीजिए, उसके बाद वापिस खरीद लेना। अगर आपने जितना भी फंड इसके लिए रखा है उतना फंड ही रहने दीजिए, पर वहां पर आप जब भी लोअर सर्किट के बाद आप क्वांटिटी खरीदेंगे तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि अगर आज के आपके पास 10,000 क्वांटिटी है और आपने 1.5 रुपए के प्राइस पर खरीदी है तो आपका 15,000 रुपये लगे थे वहां पर, और यहाँ पर आज प्राइस 2.5 रुपए के आसपास भी मान के चलो कि आज आपने लोअर सर्किट पे ही इसको NSE पर बेच दिया है, तो आज आपका आपको 25,000 रुपये मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि स्टॉक 3 या 4 दिन या अगले पूरे वीक में लोअर सर्किट लगाता है तो प्राइस अराउंड 2 रुपए के आसपास आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से आपको वापिस 1200 या 1300 स्टॉक मिल सकते हैं। तो आपको ऐसा चल के ऐसा ध्यान में रख के चलना चाहिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुक होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करते तो यहाँ पर आपको 20 या 30% स्टॉक नीचे आएगा, उसके बाद कह सकते हैं कि डेफिनेटली ऊपर जाएगा, इसके फंडामेंटल अच्छे होने लगे हैं, पर यहाँ पर आपको 1 या 1.5 महीना लग जा सकता है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे अनदर पेन स्टॉक के व्यू और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए मत भूलिएगा। और कोई भी स्टॉक अगर आपके जहन में है और आप उस पर फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर ट्राई करूंगा वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।